आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फ्लेवर्ड पनीर बनाना बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋचा और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से दूध को बॉईल कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और दूध को पहले अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसके ऊपर हमें मलाई बिल्कुल पड़ने नहीं देना है क्योंकि फुल क्रीम दूध है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसके ऊपर मलाई पड़ जाएगी। और आप दूध में बॉईल आने देंगे और जब तक इस दूध में बॉईल आ रहा है तब तक विनेगर को डाइल्यूट करके और रख लेंगे। वैसे तो आप पनीर को नींबू के रस और दही से भी फाड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे विनेगर का यूज कर रही हूँ, 2 चम्मच लगभग मैं यहाँ पे विनेगर ले रही हूँ। अगर इतने से दूध नहीं फटता तो आप इससे एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना है। इस तरह से डाइल्यूट करने से पनीर जो है वो काफी सॉफ्ट बनता है। यहाँ पे हमारे दूध में बॉईल आ गया है तो गैस को ऑफ कर देंगे और गैस को ऑफ करने के बाद इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे जिससे हमारे दूध का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। इससे भी पनीर जो है वो काफी सॉफ्ट बनता है। और इस फ्लेवर्ड पनीर को बनाने के लिए मैं एक मसाला बना रही हूँ। ये मैंने 1/2 चम्मच धनिया लिया है और 1/2 चम्मच यहाँ पे जीरा लिया है। इससे हमारे पनीर का जो फ्लेवर है वो काफी अच्छा आएगा। सिर्फ इनको हल्का सा भून लेना है जब तक कि इनका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। बहुत जल्दी ये भून के रेडी हो जाते हैं, ये देखिए। और बस इनको कूट के और साइड में रख लेना है। और अब इसे जिस फ्लेवर का आपको पनीर बनाना है वो मसाले ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसके लिए चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ और थोड़े से मिक्स हर्ब ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच है इसका। और ये जो धनिया और जीरा हमने भून के रखा है और इसको मोटा सा क्रश कर लिया है वो ऐड कर देंगे। साथ में ढेर सारी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें जो हमने डाइल्यूट करके विनेगर रखा है वो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करने से पनीर देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होता है अगर आप विनेगर को धीरे धीरे यूज करेंगे इंस्टॉलमेंट में। तो अब इसको छान लेना है। छानने के लिए हमें इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर एक पतला सा कपड़ा रख देना है और अब इसमें पनीर को छान लेंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और पनीर को वॉश कर लेना है। इससे जो हमने विनेगर ऐड किया था उसकी खटास जो है वो खत्म हो जाएगी। तो 2 से 3 बार आप इस प्रोसेस को कर लीजिए। अभी यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तब इस तरह से इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। अभी इस तरह से हल्का सा स्क्वीज करके और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। और अब इस पनीर को किसी भी भारी चीज से प्रेस कर देंगे जिससे इसको एक अच्छा सा शेप आ जाए। क्योंकि इस तरह से पनीर जो रहता है वो क्रम्बल रहता है। तो अगर पराठे वगैरह के लिए यूज करना है तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पनीर का शेप चाहिए तो इसको एक भारी चीज से इसको दबा देंगे और इस तरह से बिल्कुल इसको अच्छे से सील कर देंगे। और इस तरह से प्रेस करके उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब पनीर जो है वो काफी अच्छे शेप में आ जाएगा। अगर पनीर की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप प्रेस करने का ड्यूरेशन जो है वो उसको बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे पनीर जो है वो मैंने 1 लीटर का बनाया है इसलिए इसको 1 घंटे के लिए प्रेस करूंगी तो बिल्कुल अच्छे से शेप में आ जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए, हमारा फ्लेवरफुल पनीर जो है वो बन के रेडी हो गया है। आप इसके पकौड़े बनाइए, काफी शानदार पकौड़े बनते हैं। इसको आप रायते में यूज कर सकते हैं या अगर आप चाय के साथ नमकीन या बिस्किट लेना पसंद करते हैं तो उसकी जगह आप इसको तवे पे हल्का सा फ्राई कर लीजिए, हल्का सा गोल्डन दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए और ऊपर से नमक स्प्रिंकल करके चाय के साथ एंजॉय करिए, काफी टेस्टी लगता है। इसके अलावा आप इसको पिज्जा टॉपिंग में यूज कर सकते हैं, पराठों में यूज कर सकते हैं। इसके काफी यूज है। और अगर आज का टिप आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।